हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ उत्तराखंड से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं धर्म रावत जी। तो सबसे पहले हम धर्म रावत जी से उनके बारे में कुछ जानते हैं कि वो कब से फैंटेसी खेल रहे हैं और उनकी अब तक की जर्नी कैसी रही। सो धर्म जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं और आप कितने समय से फैंटेसी खेल रहे हैं। मैं 2015 से जुड़ा हूँ इसमें, फंटेसी में, जी और मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। और ठीक है, एक नॉर्मल आदमी के ना, एक जॉब से अलग थोड़ा सा ये थोड़ा लगता है कि शायद कुछ इसमें हो जाए, तो इस वजह से वो खेलता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता है। बिल्कुल तो बस कुछ नया, जो बंदा कुछ नया ढूंढता है तो उसको ऐसा, मतलब जो मुझे ऐप मिला है ये परफेक्ट लाइनअप, तो जी। ऐसा कुछ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो आप क्या करते हैं धर्म जी? मैं हूँ डिजाइनर हूँ, वैसे तो फोटोशॉप में काम करता हूँ, फोटोशॉप एडिटर हूँ, ओके मतलब फोटो एडिटिंग करता हूँ ना, फोटोशॉप वगैरह में, कैनवेरा जी डॉट जी कॉम में हूँ जी काम करता। ओके So, धर्म जी हमें बताइए कि परफेक्ट लाइनअप कैसे मदद करता है टीम बनाने में। बहुत अच्छा है, मेन तो वही ऑटो जनरेट है इसका, तो जो बंदा जिस प्लेयर के बारे में, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो ऑटोमेटिक ही ले लेता है, तो बिल्कुल उससे बहुत बेनिफिट है कि उस ग्राउंड पे वो बंदे ने कितना अच्छा किया है। वो डाटा हमारे पास होता ही नहीं एक्चुअली, किसी भी बंदे पे, जो एक नॉर्मल बंदा जो भी खेलता है उनको कुछ पता ही नहीं होता, बस ऐसे ही। एक तो टाइम भी नहीं होता, जॉब में अपने लगे रहते हैं, और उस बीच में मतलब पता चला 7 बजे छुट्टी हो रही है, इसी में टीम भी टॉस भी हो गया, टीम भी आ गई, पता ही नहीं है तो फिर कौन से ग्राउंड पे है, क्या है, स्पिन पिच है या क्या है, फास्ट है, पेस रोको है, किसको कुछ नहीं, मतलब ना पता, कुछ भी लगाया बस डाल दिया, हो गया बस। अब फिर वो सोच के बैठता है, मैं जीतूंगा भाई, मैं हूं फिर मैं। हाँ, लेकिन पता चलता है जो लगाए थे वो भी नहीं आए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने कुछ देखा ही हाँ नहीं, कि कुछ एनालाइज नहीं वही किया तो, कि वही कौन तो, सी पिच है, हाँ उसमें बॉलर्स ज्यादा हाँ चलेंगे वही कि तो, बैट्समैन चलेंगे, हाँ अभी कौन हाँ सा प्लेयर वरना अच्छे फॉर्म में है, राइट? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही बस पुराने प्लेयरों को उठाया लगा दिया, जो जो जानता था 2002 से उसी को उठाया लगा दिया, उसकी राइट पता चला उसकी बैटिंग ही नहीं आ रही, ऐसा होता है। तो परफेक्ट, ये जो परफेक्ट लाइनअप है इससे इतना मतलब फायदा है कि कम से कम बिना सोचे समझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा बहुत जो लगा सकते हो वो लगाओ, और हल्का सा दिमाग लगा के बाकी का काम ये कर लेता है, ये ठीक है। काफी हेल्प हो जाती है आपकी टीम बनाने में। हाँ, काफी हेल्प हो जाती है, अगर जो बंदा ज्यादा सर्च करेगा तो उसके लिए और भी अच्छा है। जैसे पहले क्या करना था, ये हमें ये सब चीजों के लिए, मान लो बहुत से लोग तो पेड़ पेड़ वो भी लेते हैं, टीम भी लेते हैं, या फिर बिल्कुल वो हेल्प भी लेते हैं, न्यूज जानने के लिए पैसे भी देते हैं कि भाई आज का कैसा रहेगा, क्या है क्या नहीं, जो भी है, तो वो सब चीजों का मतलब टोटली यहाँ पे मिल जा रहा है, अगर ढंग से देखो तो। हेड टू हेड हुआ या फिर प्ले, वो ये बॉलिंग बैटिंग जो भी है, इसका पेस पिच हर चीज पिच का तो यहाँ पे रिपोर्ट, लिखा ही हुआ राइट? है और दिखा रखा है कि हाँ, हर चीज यहाँ पे दिखाई रखा है कि कैसा है परफॉर्मेंस, कैसा है, और जो डिमांड, ज्यादा डिमांड में कौन सा बंदा चल रहा है, और चाहे वो कोई सी लीग हो, T10 हो, कोई सी हो, क्या मतलब, इवन जिनका ये नाम भी नहीं चीजें सुना भी नहीं उनके बारे में है भी पता चल जाता धर्म जी, इसमें आपको है। ये तक हाँ पता चल रहा है कि किस प्लेयर ने इस सीजन में कैसा परफॉर्म किया है, उसने कितने फैंटेसी पॉइंट्स स्कोर हाँ कर लिए हैं, कितनी बार वो टीम में रहा है, फैंटेसी टीम, ड्रीम टीम में रहा है, वही, हाँ इतनी ड्रीम टीम में, डिटेल्स हाँ आपको ड्रीम टीम, एक साथ एक जगह मिल रही है, मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं एक ही प्लेस पर। हाँ, इससे फायदा है कुल मिला के ना, वो जो टीम देते हैं ना, पेड टीम वगैरह, वो थोड़ा जो, या जो यूट्यूब में चैनल वगैरह बनाते हैं उसमें डालते हैं कि आज का ऐसा है, आज का वैसा, उनका थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा इससे, ये बिल्कुल, कंफर्म है। क्योंकि देखा जाए तो जिन लोगों से आप टीम ले रहे हैं वो भी यही सब देख के अपनी टीम बना रहे हैं, हाँ, ऑब्वियसली। वो भले ही उस टाइम पे 3-4 जगह से उन्होंने इकट्ठा किया, जो भी किया, तो वो सब हमें एक ही में मिल जाए, बेस्ट है। बिल्कुल। सो हमें ये बताइए कि हमारे ऐप में काफी सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा है अब तक? बस एक तो वही, जो तुम्हें नहीं चाहिए तो उस पे कट मार दो, उस प्लेयर पे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ओके, मतलब हाँ, प्लेयर जो लॉक प्लेइंग 11 में, लॉक करने वाला फीचर, हाँ लॉक एंड रिमूव। हाँ लॉक, हाँ लॉक, लॉक से तो ये है कि अपना लॉक किया तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए अपनी टीम में, तो आपकी सारी टीम में वो प्लेयर होगा हाँ ही। हाँ
हाँ, और जो नहीं चाहिए कहीं भी नहीं चाहिए, जो दिखना भी नहीं चाहिए तो उस पर कट मार दो, हटा ही दो वहां से, तो मतलब वो भी बिल्कुल अच्छा है कि वो आना ही नहीं चाहिए। और फिर उन जो बचे हुए 10-15 जो भी है, उन 10-15 में ही कन्वर्ट हो के तुम्हारे पास टीम बन के आएगी, तो वो ज्यादा अच्छा है। एंड इवन द थिंग तो इज ये कि आप मुझे किसी कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाई नहीं है, आप रिफ्रेश कर सकते हैं, वापस आपको न्यू कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। हाँ, अच्छा है, काफी अच्छा है, ठीक लगा मुझे तो। बाकी मैं अभी और जब इसमें घुसूंगा और अच्छे से, क्योंकि अभी बिल्कुल हाल मैंने इतना, मेरे को अभी मिला है, मेरे को चाहिए तो बहुत पहले से था कुछ ऐसा ऑटो जनरेट वाला। मैं तो सोच भी रहा ओके था कि कहीं से मैं ही बनाऊं ऑटो जनरेट का, कुछ मिले मुझे ABCD करके, मैं खुद ही सोच बताइए रहा था। कि पहले जब हाँ आप अभी जैसे परफेक्ट लाइनअप यूज करें, लेकिन इसके पहले आप ये इतना सारा डेटा कहाँ से लाते थे? नहीं, इससे पहले कुछ भी नहीं, इससे पहले YouTube में देख लिया, कहीं ना कहीं देखा, इधर उधर देखा, फिर उससे जो खुद समझ में आया तो वो, क्योंकि आधे आधे घंटे की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो कौन देखता रहेगा। तो आपको इसके बाद कितनी जितना देर मोटा लगती मोटा होगी सा एक्टिंग बनाने में? मैं वो सब करके, क्या चीज, एक टीम बनाने में आपको कितनी देर लगती होगी फिर इतना सब कुछ करने के बाद? ये सब करने के बाद, मतलब पहले तो वीडियो टाइम खा जाता था, पहले तो यही सब देखते रहो, उसके बाद खुद की टीम बनाओ तो वो सोच लेना पड़ता था, गलती से उसमें से एक दो प्लेयर ना खेले तो फिर और मुसीबत हो जाती थी। बिल्कुल। हाँ एंड फिर तो अब ठीक है, यहाँ तो आपका ऐसा है कि अब आप एक यहाँ साथ है, 11 टीम बना रहे हैं। अब यहाँ पे है कि टॉस होने के बाद जैसी टीम आ जाए, टीम आने के बाद बस इसमें प्लेयर के उसमें चले जाओ, जो खेल रहा होगा उसी के बारे में दिखाएगा, बाकी फालतू का देखना ही नहीं। ओके बिल्कुल। सो आप और भी कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आप देखते हैं अपनी टीम बनाने से पहले? नहीं, बस ये है कि सबसे पहले वो ग्राउंड छोटा है बड़ा है, या लेफ्ट साइड का छोटा है या राइट साइड का बड़ा है, ये सब होता है ना कई कई पिच, जैसे ये वानखेड़े स्टेडियम है या और भी चीजें हैं, जैसे जी कि लेफ्ट साइड का अगर छोटा है तो वहां पे लेफ्ट के बैट्समैन अगर हीटर है तो वो जल्दी लो, मतलब वो तो चाहिए ही। ओके। और पिच रिपोर्ट की भाई पेसरों को हेल्प है यहाँ पे, या स्पिनरों को है, ये तो है ही है नॉर्मल, ये चाहिए ये तो। और ऊपर से जो आजकल उसमें चल रहा है ज्यादा फ्लो में, मतलब जो बंदा अच्छा कर रहा है वो, अच्छा फॉर्म में जो हाँ बस, क्योंकि कौन कब क्या कर जाए वो अलग बात होती है, लेकिन जो कंटिन्यू कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है। राइट, दैट्स द फेयर पॉइंट। एंड मुझे आपका बस वो पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा कि लेफ्ट साइड का बड़ा है या राइट साइड का बड़ा है, दैट्स हाँ समथिंग न्यू। हाँ देखो, दो बिल्कुल ही चीज है, एक पहली चीज है किस्मत, अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं दे रही ना तो फिर तुम्हें भाई नॉलेज तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। बिल्कुल राइट। हाँ, अगर किस्मत, तुम किस्मत के धनी हो ना तो फिर तो तुम कहीं मत देखो, टीम बना दो, जीतोगे वो बिल्कुल। बोलेगा अच्छा धर्म बस। जी, हमें आप ये बोलिए। बताइए कि कोई न्यू प्लेयर्स हैं जो अभी अभी फैंटेसी में आए हैं, तो धर्म जी की जो कि पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट फैंटेसी खेल रहे हैं, तो उनकी उनके लिए हाँ क्या एडवाइस होगी? हाँ, उनके लिए तो यही है भाई, या तो किस्मत के भरोसे ही रहो, किस्मत अगर तुम्हारी अच्छी है तो वेट करते रहो, नहीं तो फिर अगर ऐसा कुछ डाटा चाहिए तो पेड़ के अलावा यहाँ बेस्ट है, खुद ही देखो, खुद ही अपना अच्छा करो, यही सही, यहाँ अच्छा परफेक्ट लाइनअप यूज करें। परफेक्ट लाइनअप। हाँ ओके सो थैंक हाँ यू सो मच धर्म जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपना फैंटेसी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए।